खबरों की दुनिया में बहुत कुछ आगे और पीछे रहता है साहब, और इस आगे पीछे को डिकोड कर उसे एनालाइज कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जिन मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले जो मुद्दा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा है, और वो मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि आज हम सबके सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की जाती है। आखिरकार चुनाव के दौरान हिंदू और मुसलमान की इतनी बातें क्यों होती है, ये सियासत इतनी क्यों होती है, और इसकी शुरुआत कौन करता है। इस पर तरह तरह की बातें हैं, लेकिन इसको पूरी तरीके से डिकोड कर हम आज आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखने वाले हैं। इसलिए गौर से हमारे इस शो को जरूर देखिएगा। फिर बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक बार फिर पत्रकारों के सामने ऐसी चुप्पी साध रखी है जैसे कि स्वाति मालीवाल के पूरे मुद्दे पर कुछ भी कहना उनके लिए शायद इतना भारी पड़ जाए कि जेल जाना भी उसके लिए कम। क्यों इतनी चुप्पी है इसका जवाब अभी तक नहीं दे पा रहा कोई। इस बीच पुलिस ने उनसे पूछताछ की है, उसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं है। फिर हम बात करेंगे धारा 370 की। कश्मीर में धारा 370 के मॉडिफाई किए जाने के बाद वहां पर अब जो चुनावी माहौल है, क्या जज्बा है चुनाव को लेकर साहब? जब आप देखें कि श्रीनगर में 36% से ज्यादा मतदान होता है, जहां 6% मतदान हुआ करता था, तो अब बारामूला की सीट पर भी मतदान होना है, और उसके साथ साथ अनंतनाग की सीट पर भी मतदान होना है। जो उत्साह है वो इतना जबरदस्त है कि जो पहले के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी कह रही हैं कि हमारे से ऊपर से प्रतिबंध हटा दो साहब, हम चुनाव के क्षेत्र में आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बदलाव के बारे में बातचीत करेंगे, और फिर बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा के बारे में एक बात तो तय है, ये लड़ाई नवीन पटनायक बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुकी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफलता मिलेगी लोकसभा के चुनाव में? स्थानीय स्तर पर यानी कि विधानसभा के स्तर पर क्या नवीन पटनायक एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देंगे? इस पूरे मामले को डिकोड आपके सामने कर हम बताएंगे। लेकिन आइए आज की सबसे बड़ी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और ये स्टोरी आज इस बात से जुड़ी है कि इस बार मतदान को लेकर अलग अलग तरह के नैरेटिव गढ़े चले जा रहे हैं। और आप कहेंगे नैरेटिव कौन गढ़ता है? मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कई इंटरव्यू में देखा, उन्होंने कहा कि मीडिया नैरेटिव गढ़ती है क्योंकि इस नैरेटिव को मीडिया सामने लेकर आती है। इसलिए आज इस नैरेटिव शब्द को ही डिकोड कर आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक नैरेटिव क्रिएट किया गया और पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पर इसे प्रचारित और प्रसारित किया गया। विपक्ष ने बड़ी तल्लीनता से पूरी देश के सामने ये बात रखने की कोशिश की कि देश में अगर कोई हिंदू और मुसलमान की बातें करता है तो वो कोई और नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस बात का खंडन कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, एक बार नहीं अनेकों बार। फिर भी बार बार उनके ऊपर यह आरोप मढ़ने की कोशिश की जाती है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा उन्होंने एक भाषण में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के रिजर्वेशन में या फिर मुसलमानों के लिए बजट में 15% अलग से रखने की बात कही गई है कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस इसे लाना चाहती है, और धर्म आधारित इस रिजर्वेशन पर हम जब तक खड़े हैं तब तक हम कभी कुछ नहीं होने देंगे। इस बात को प्रधानमंत्री ने किन शब्दों में कहा पहले यह देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो। कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले, मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में इस बात को पुरजोर तरीके से सामने रखा है। विपक्ष अब जो नैरेटिव क्रिएट करने की बात है, विपक्ष अब इस मुद्दे को उठा रहे कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं,
लेकिन मैं साबित कर रहा हूं अब आपके सामने, यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस बात को कहा है 2007 में, और मैं अखबार की क्लिपिंग अभी आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। 2007 में यूपीए के शासनकाल के दौरान नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक हुई थी। इस बैठक में अल्पसंख्यकों को 15% बजट के आवंटन को रिजर्व करने की बात कही गई थी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अल्पसंख्यक बजट का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि लाभार्थियों के बीच में धर्म के आधार पर देश में भेदभाव नहीं हो सकता। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जो कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के 4 और मुख्यमंत्रियों ने भी 2007 की इस बैठक में इस बात का पुरजोर विरोध किया था कि कांग्रेस जो एक मैनिफेस्टो लेकर सामने आ रही थी, एक दलील लेकर सामने आ रही थी कि अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों और लोगों के लिए 15% रिजर्वेशन बजट का होना चाहिए। इसका विरोध उन्होंने 2007 में किया था। यानी 17 साल से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उसी बात पर टिके हुए हैं। क्या यह नारा, क्या ये बातें आज सामने चुनाव में रखी जा रही हैं? अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस 15% बजट का रिजर्व करना चाहती है अल्पसंख्यकों के लिए, तो यह कांग्रेस की नीति है, इस पर कहीं कोई दुविधा नहीं है। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वही दे रहे हैं जो 17 साल पहले उन्होंने दिया था। लेकिन क्या बातें गढ़ी जा रही हैं मनगढ़ंत तरीके से, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी तस्कर से तीर निकालकर लोगों पर डाल रहे हैं। आप जरा सोचिए कि आखिरकार यह क्या है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले पर सवाल भी पूछा गया कि क्या आप इस तरह की बातें करते हैं जहां हिंदू और मुसलमान की बातें होती हैं, तो उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा, साहब वह देश के हर गरीब परिवार के बारे में बात करते हैं, मैं हैरान हूं आपसे किसने कहा कि जब भी कोई ज्यादा बच्चे वालों के बारे में बात करे तो यह नतीजा निकाला जाए कि वे मुसलमानों की बात हो रही है। आप मुसलमानों के प्रति इतने अन्याय क्यों हैं? गरीब परिवार में भी यही स्थिति है, गरीबों में ज्यादा बच्चे होते हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हो। जहां गरीबी है वहां ज्यादा बच्चे होंगे चाहे उनका सामाजिक दायरा कुछ भी हो। मैं हिंदू और मुसलमान के बारे में बात नहीं करता। जिस दिन उन्होंने हिंदू मुसलमान करना शुरू किया वे सामाजिक जीवन के लिए योग्य नहीं रहेंगे। यह प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है जो मैं अभी आपको पढ़कर बता रहा हूं। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि इस तरह की जो बातें हैं मनगढ़ंत हैं, इस पर कहीं कोई तथ्यात्मक सत्य नहीं है। लेकिन आप देखिए इस पूरे चुनाव में किस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं ने यही आरोप बार 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 लगाया है। क्या मतलब है इसका? प्रियंका गांधी जी ने क्या आरोप लगाया जरा देखिए आप। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे, वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर, हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, मनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं ये पद, इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। अब आप खुद ही समझ जाइए कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, 2007 में कौन कह रहा था, लेकिन 2024 में उसे लेकर किस तरह से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब सांसद हैं, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अपनी जो बातें रखी हैं वो आपके सामने रखता हूं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की बातें नहीं करते, उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया? मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान विरोध सियासत पर बना है। ये कह कौन रहा है? वो व्यक्ति जिसकी पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि, जिसका राजनीतिक इतिहास, जिसकी राजनीतिक पैदाइश मुसलमानों के लिए राजनीति करने के आधार पर है, वो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो आइए अब इस तमाम शगुफे का जो धुंध है अब आपके सामने मैं सामने रखता हूं। सबसे पहली बात, इस बार के चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में हिंदू मुसलमान ये जो बातें निकल कर आई ये कहां से निकल कर आई? इसकी शुरुआत है कांग्रेस का न्याय पत्र।
जिसके वायदे का एक अंश पढ़कर मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस के न्याय पत्र में लिखा हुआ है, कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना कराएगी, यानी जातिवाद को बढ़ावा देगी। आंकड़े के आधार पर हम सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत करेंगे। अब जरा आप यह बताइए, क्या मतलब निकलता है इसका, सकारात्मक कार्रवाई करेंगे? इससे पहले कि लोग इसका मतलब समझ पाते, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक नया नारा दिया। साहब इस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा इसको कि घोषणा पत्र में क्या लिखा है और राहुल गांधी जी अब बोल क्या रहे हैं। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के बयान और जब आप कांग्रेस के न्याय पत्र के इस परिपेक्ष को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी सोच इस आधार पर रखी कि जो तथाकथित तौर पर पिछड़े हैं, जो तथाकथित तौर पर अल्पसंख्यक हैं, उन सब लोगों को जो वंचित हैं, उनको उनके आधार पर, आबादी के आधार पर चीजें दी जाएंगी। तो अभी तक क्या हो रहा था साहब? क्या देश में समुचित विकास नहीं हो रहा है? क्या देश में समुचित विकास नहीं होना चाहिए? जब इस तरह की बातें एक राजनीतिक दल शुरू करेगा और अल्पसंख्यक राजनीति को हवा देगा तो दूसरा पक्ष क्या करे? चुप्पी साध ले, एक पक्ष को बोलने दे। जाहिर सा बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रतिकार किया। प्रतिकार क्या है यह भी आप देख लीजिए। महिलाओं के पास स्त्री धन कितना है, गहने कितने हैं, सोना कितना है, मंगलसूत्र कहां पड़ा है, इसका एक्सरे किया जाएगा। क्या आपके मंगलसूत्र पर किसी को हाथ लगाने देंगे? कोई पंजा आपकी संपत्ति लूट सकता है क्या? तो जब राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं कि फाइनेंशियल एक्सरे करेंगे, देखेंगे कहां किसके पास कितना पैसा और उसके आधार पर रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात सामने रखी, तो प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया, क्या यह गलत है? इसके बाद मैं आपको कांग्रेस के ही न्याय पत्र के पेज नंबर 7 पर, जहां अल्पसंख्यक नाम का एक कॉलम बना हुआ है, वो उसके जो बीच में लिखा है वो पढ़कर बता रहा हूं। भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। घोषणा पत्र में लिखे शब्द बहुसंख्यकवाद को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया। अब बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है? बहुसंख्यक कौन है आज हमारे देश में? भारत में बहुसंख्यक हिंदू है, 78% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। तो बहुसंख्यक विवाद, बहुसंख्यकवाद इज इक्वल टू तानाशाही, और बहुसंख्यकवाद की कोई जगह भारत में नहीं है। अब आप बताइए, इसका प्रतिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने कहा, उसके बाद जो कहा उसके बाद आप बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको जरा एक चीज और दिखाता हूं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में धन के रीडिस्ट्रीब्यूशन का सीधा उल्लेख नहीं किया था, लेकिन वादा क्या किया गया? वायदा यह किया गया कि पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी तो ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिसके माध्यम से जो देश में धन है, जो प्राकृतिक संपदा है और जो लोगों की बढ़ती आय है, जिसमें असमानता बढ़ रही है, उसे दूर करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाएगा। घोषणा पत्र के पहले अध्याय के शीर्षक में लिखा गया है, ओबीसी, एससी, एसटी भारत की आबादी का लगभग 70% हिस्सा है। उच्च रैंकिंग वाले व्यवसायों, नौकरियों और सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अनुपात से बहुत कम है।
मैनिफेस्टो में सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए जनगणना की बात कही गई है, और उसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आबादी के आधार पर चीजें तय हो रही हैं या पिछड़ेपन का आधार भारत में जातीय आधार माना गया है? आरक्षण का आधार क्या है आज हमारे देश में? जातीय पिछड़ापन। लेकिन यहां पर आबादी के हिसाब से चीजों को करने की बात कही जा रही है। यानी कि आप कहना क्या चाहते हैं? आप यह कहना चाहते हैं कि अगर इस देश की आबादी में 20% आज अल्पसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यकों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, और इस हिस्से को दिलवाने के लिए कांग्रेस की अगुवाई की सरकार कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि 2007 में यही कांग्रेस की अगुवाई की सरकार थी यूपीए की, जो कि राष्ट्रीय संपदा की 15% को अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व करना चाहती थी। यानी कि नीति वही है, सोच वही है, कपड़े अलग अलग पहनाए जा रहे हैं। अब इसका प्रतिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह अपने आप में आपके लिए मैं सामने रख रहा हूं। कौन हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, इसको मैं आपके सामने साबित कर रहा हूं। अब आ जाते हैं सैम पित्रोदा जी पर। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद कम से कम कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब वो थे, यही सैम पित्रोदा जी हैं जिन्होंने पहले चरण के मतदान के बाद विरासत टैक्स की बात कही थी और कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो संविधान को बदल देना चाहिए। जातीय आरक्षण का मामला भी इन्होंने ही उठाया था। यानी कि अगर आप पूरे तरीके से देखें, सार्वजनिक तौर पर जो लगातार एक के बाद एक बातें सामने रखी जा रही हैं, उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है? निष्कर्ष बड़ा स्पष्ट है, कांग्रेस और विपक्ष लगातार अल्पसंख्यक राजनीति को आगे बढ़ाकर वोट बैंक की बातें करता चला रहा है। जवाब में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बातें रखी जाती हैं स्पष्टता से, उसका विरोध किया जाता है, तो पलटकर यही कांग्रेस और यही विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। यानी कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा छोड़ देते हैं किसका। यही है आज हमारे देश में नैरेटिव को गढ़ने और उसके साथ साथ उसे प्रचारित करने का नया तरीका। कितना सही है, कितना गलत है, ये जनता की अदालत है। आज की दूसरी बड़ी खबर आपके साथ। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने ऐसी चुप्पी साध रखी है साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुद्दा सामने ही आते ही उनको सांप सूंघ जाता है। क्यों इतने चुप है यह अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्यों ये इतनी चुप्पी गंभीर बन गई है यह भी समझ में नहीं आ रहा। दरअसल कुछ लोग तो चर्चा में यह भी कहते हैं कि पॉपुलैरिटी में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए चुप्पी साध रखी है, वरना मामला शांत हो जाएगा। अब चाहे जो कुछ भी हो साहब, लेकिन इस पूरे मामले पर दिन भर जबरदस्त तरक्की हो रही है और पिछले 3 दिन से कम मिस्टर एनालाइजर में यह खबर अपनी जगह भी बना रही है। स्वाति मालीवाल का मुद्दा जिस तरीके से शुरू हुआ, अब इसमें खामोशी दोनों तरफ से बनी हुई है। स्वाति मालीवाल से आज दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 4 घंटे की बातचीत की, पूछताछ की उनसे, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा। स्वाति मालीवाल की माता जी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि स्वाति मालीवाल की दिमागी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो मीडिया के सामने जा सके। अब ऐसा क्या हो गया है साहब? जो खबर आई वो आपके सामने स्पष्ट है, लेकिन अब उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। इस बीच में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के 2 और नेताओं के साथ स्वाति मालीवाल से बीती रात करीबन 4 घंटे की मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला सुलझा नहीं है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को जो फोन कॉल किया था और पुलिस स्टेशन जो गई थी, उसके बाद भी ऐसी चुप्पी साध रखी है। उन्होंने ना एक बार भी पुलिस को ये नहीं कहा कि कोई मामला नहीं है, सब ठीक है, एक बार भी नहीं कहा साहब। कह देना चाहिए अगर कोई मामला नहीं है तो, यानी कि कुछ ना कुछ मामला है, बड़ा है। इस बीच में महिला आयोग ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभू कुमार को एक नोटिस भेजा है और शुक्रवार को उनको बुलाया है ताकि वो अपना बयान दर्ज कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज दिल्ली पुलिस ने 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त स्वाति मालीवाल के साथ बिताया, ये समझने के लिए कि आखिरकार क्या हो रहा और क्या नहीं। स्वाति मालीवाल को लेकर एक के बाद एक लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार वो चुप क्यों हैं? उनके पति ने पहले ही कह रखा है कि उनकी जान को खतरा है। जान की खतरा किससे है भाई? ये पूर्व पति की बात मैं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। अब आज की घटना एक और, लखनऊ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने से पहले आज अरविंद केजरीवाल जब एयरपोर्ट पर दिखे लखनऊ में,
तो उस एयरपोर्ट पर वो अपने प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि विभू कुमार के साथ थे। इसके बारे में तो बाद में टिप्पणी करूंगा, लेकिन जरा सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आपको दिखा। चलिए हमारे पास ये फुटेज आ गया, जरा देखिए। विभू कुमार लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज सुबह सुबह पहुंचे। तो सवाल ये उठता है साहब कि विभू कुमार के ऊपर जब कार्रवाई करने की बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह कर चुके हैं मीडिया के सामने, स्वाति मालीवाल जी से दो बार मुलाकात कर चुके हैं, तो फिर आखिरकार विभू कुमार को अरविंद केजरीवाल अपने साथ लेकर क्यों घूम रहे? अगर वो अच्छे आदमी नहीं है, वो काम अच्छा नहीं करते, वो बदसलूकी करते हैं महिला सांसद के साथ, तो जाहिर सी बात है अपने साथ लेकर तो नहीं घूमना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की लखनऊ की यात्रा तक वो साथ थे, ये बात अलग है कि शाम में जब पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल जी तो विभू कुमार जी वहां दिखाई नहीं दिए। हो सकता है मीडिया में मामला उछलने के बाद उन्होंने इस बात पर चुप्पी काट ली हो। तो ये एक और रहस्य, बस देखिए कई एक एक बात रहस्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं विभू कुमार, संजय उसके साथ संजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल जी लखनऊ एयरपोर्ट पर आज सुबह सुबह। अब आइए यहां से निकलकर लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसी नौटंकी हुई साहब, ऐसी नौटंकी जो अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव जी बैठे हैं और उसके बाद पहुंचे हैं संजय सिंह जी। पत्रकारों ने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सवाल पूछा, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल चुप निराकार भाव से बैठे हैं। पत्रकार ने सीधे सवाल पूछा अरविंद केजरीवाल से, स्वाति मामले पर आप कुछ क्यों नहीं कहते? अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद कैसे क्या किया ये जरा पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो एनालाइज कर आपको बताऊंगा। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपके जी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक? अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया था, अरविंद केजरीवाल ने माइक घुमाया और अखिलेश यादव जी के सामने कर दिया। अखिलेश यादव जी जेब से एक पर्चा निकाले और बीजेपी के बारे में बोलने लगे। जब उसके बाद पत्रकारों ने फिर सवाल पूछा तो अखिलेश यादव जी चुप हो गए। फिर अखिलेश यादव जी ने माइक संजय सिंह की तरफ कर दिया। संजय सिंह ने उसके बाद क्या कहा ये देखिए, ये वीडियो देखिए, बहुत कुछ बताएगा साहब आपको। और अरविंद केजरीवाल जी एकदम चुप बैठे हुए, चुप, मुंह पर टेप लगा हुआ है। बोल रहा हूं। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है, तो इसलिए इसको इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। और अपनी बात को खत्म करते ही संजय सिंह उठे, नमस्कार किया और चल दिए। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं साहब, क्या पत्रकारों के सवाल का जवाब सवाल है? आप कहेंगे भाई ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन यही सच है साहब। अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछा गया स्वाति मालीवाल के बारे में, उन्होंने माइक अखिलेश यादव जी की तरफ कर दिया, अखिलेश यादव जी बीजेपी के बारे में गुणगान करने लगे, उन्होंने माइक संजय सिंह की तरफ कर दिया। संजय सिंह ने कहा कि भाई सवाल पूछना है तो प्रधानमंत्री से जाकर पूछो, सवाल पूछो मणिपुर पे, सवाल पूछो खिलाड़ी महिलाओं पर, सवाल पूछो इस पर, सवाल पूछो उस पर, और निकल गए। जाते जाते बस इतना कह गए आम आदमी पार्टी परिवार है। अगर पारिवारिक मामला है साहब तो बोलिए ना, स्वाति मालीवाल जी के साथ खड़े होइए पत्रकारों के सामने और कहिए पारिवारिक मामला है, आपस में सुलझा रहे हैं, चैप्टर क्लोज। लेकिन नहीं, आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये पारिवारिक मामला नहीं है, ये मामला राजनीतिक है। इस मामले के पीछे कई तरह के तार हैं, कई तरह की अफवाहें, उसके बारे में भी हम कई चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं अपने दर्शकों को। लेकिन आज मैं ये सवाल रखना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के सामने। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था, निर्भया कांड, कितना शोर शराबा मचाया गया था इन तमाम नेताओं के द्वारा जो उस समय नेता नहीं थे, आम आदमी पार्टी का गठन नहीं हुआ था उस वक्त। उसके बाद भी जब भी इस तरह की घटनाएं हुई, तरह तरह की बातें निकाली गई। स्वाति मालीवाल 1,17,000 महिलाओं के लिए आवाज बनकर खड़ी हुई, अपनी आवाज के लिए उनके गले से आवाज नहीं निकल रही अपने मामले। संजय सिंह जी मुलाकातें करते हैं, सब कुछ करते हैं,
लेकिन ये जानते हैं एक महिला राज्यसभा सांसद पर जिस तरह के अत्याचार की बात निकल कर आ रही है, चुप्पी साध लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है, दिल्ली का बेटा, देश का बेटा कहलाने वाले, अपने आप को ये टाइटल देने वाले अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने तो ऐसा टेप लगाया मुंह पर कि ना कुछ कहते बनता है उनको, ना उगलते। अब पता नहीं कब कुछ बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तभी कई सवाल होंगे। आइए अब तीसरी अपनी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और हम बात करने जा रहे हैं उड़ीसा की। उड़ीसा का लोकसभा का यह चुनाव और विधानसभा का चुनाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है, और वो इसलिए क्योंकि एक नैरेटिव, ये बड़ा ही गंदा शब्द है, लेकिन ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के बीच में गठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने गिव एंड टेक कर लिया साहब, तुम ये रख लो हम ये रख लेते हैं, क्या ये संभव है? लेकिन इस तरह की बातें बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचारित की जा रही है। उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। 13 मई को पहले चरण का मतदान उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के लिए हुआ, 20 को दूसरे चरण का मतदान होना है। अभी तक जो चुनावी समीकरण है उसके आधार पर यह कहने में शायद ही किसी को कोई ग्रेज होगा कि उड़ीसा में कांग्रेस नगण्य के बराबर है। एक जमाना था जब कांग्रेस की हतूती बोलती थी, लेकिन उसके बाद से बीजेडी और कांग्रेस के बीच में एक तरह से लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव में मारपीट होती थी या रशाकशी होती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से उड़ीसा में जिस तरीके से अपने प्रचार और प्रसार बढ़ाया है और अपना जनाधार बढ़ाया है, उसके आधार पर धीरे धीरे अब कांग्रेस तीसरे नंबर से हाशिए पर जा चुकी है। इसलिए कांग्रेस की चर्चा करना इस पूरे मामले में अपने आप में वक्त की बर्बादी है, खास करके जब हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं। तो उड़ीसा में आज की स्थिति क्या है? 24 साल से नवीन पटनायक उड़ीसा में मुख्यमंत्री के पद पर हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी अभी भी बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ उड़ीसा में दिखता नहीं है। बीजेडी और बीजेपी के बीच में मुकाबला बहुत जबरदस्त और कड़ा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका नवीन पटनायक की सरकार की वो लाभकारी योजनाएं हैं जिसकी वजह से जनता को बहुत फायदा पहुंच रहा है राज्य के स्तर पर, जिसमें कई योजनाएं हैं जो हम आपके सामने गिना सकते हैं, और ये योजनाएं अभी आपके सामने हैं, चाहे वो हेल्थ स्कीम हो, अनाज पहुंचाना हो, 10 किलो चावल प्रति परिवार प्रति माह पहुंचाने की बात हो, इसके साथ साथ हेल्थ की सुविधाएं, 10 लाख रुपए तक कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधाएं, प्रति किसान को 250 यूनिट देना, इस तरह की कई बातें सामने हैं। और ये लाभार्थी का एक जो बहुत बड़ा वर्ग क्रिएट किया गया है नवीन पटनायक की सरकार के द्वारा, ये लगातार उनके लिए मतदान करता भी आ रहा है। लेकिन 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत जबरदस्त और सुनियोजित रणनीति के आधार पर अपने जनाधार को आगे बढ़ाया है, जिसके वजह से 2019 के जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया, जैसे कि अब मैं वोट शेयर आपके सामने रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अपना वोट शेयर 22% से बढ़ाकर 38.5% कर दिया है और 8 सीटें जीती भी हैं 2019 के लोकसभा के चुनाव में। बीजेडी के वोट शेयर में थोड़ी गिरावट जरूर आई 2014 और 2019 के मुकाबले, लेकिन अभी भी 42% के आसपास बीजेडी का वोट शेयर है। ये जो वोट शेयर है ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। अगर आप 2019 के विधानसभा के आधार पर देखें तो 147 सीट्स में से बीजेडी ने 112 सीटें हासिल की थी 43.9% वोट शेयर के साथ। भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें यहां पर मिली 18% वोट शेयर के साथ और कांग्रेस को 9 सीटें मिली 26% वोट शेयर के साथ। वोट शेयर ज्यादा था कांग्रेस का, लेकिन अब लगातार कांग्रेस का जनाधार घटता चला जा रहा है। अब इस बीच और क्या हुआ है? इस बीच एक बड़ी घटना हुई है और वो यह है कि नवीन पटनायक की तबीयत पिछले 2-3 साल से लगातार बहुत खराब रहती है, इसलिए जन संपर्क अभियान पर वो कम से कम निकल पा रहे हैं। आज भी वो अपने घर में ही कैद रहते हैं, लेकिन जन संपर्क उनका फोन और उसके साथ साथ वीडियो कॉल्स के जरिए बना हुआ है। एक डेडिकेटेड वोट बैंक है जो उनके नाम पर मतदान करने के लिए तैयार रहता है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रचार प्रसार को बढ़ाते हुए वहां काफी बड़े पैमाने पर अपना वोट बैंक तैयार किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है और केंद्र सरकार की जो लाभार्थी नीति है,
जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, जिसमें बहुत सारी योजनाओं का पैसा लोगों तक पहुंच रहा है, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी क्या एक अल्टरनेटिव, एक विकल्प के तौर पर उभर पाई? देखिए, विधानसभा के लिए यह बात कहना इसलिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी भी जनाधार विधानसभा पर बहुत जबरदस्त बना हुआ है बीजेडी का, लेकिन लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के बीच में कांटे का मुकाबला है। अब इसमें कौन 19 और कौन 20, इसके बारे में हम चर्चा 4 जून को करेंगे बड़े पैमाने पर। जम्मू कश्मीर में 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो उत्साह और उसके साथ साथ जो उमंग दिख रहा है, उसे देखकर मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कह सकता हूं कि मैं शायद उन लोगों में से हूं जो बहुत ही प्रफुल्लित हूं। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में जा पाना ही, वहां रिपोर्टिंग कर पाना ही हम जैसे पत्रकारों के लिए नामुमकिन था। हमें किसी भी तरह से वहां से भागने की हर तरह की कोशिशें कराई जाती, वहां से हटाने की कोशिश की जाती। आज देखिए, आज 5वें चरण के मतदान के साथ बारापुला में मतदान की तैयारी हो रही है। बारापुला पर भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला अपनी राजनीति को धार देने के लिए, बारामुला में जो अपनी राजनीति है उसको धार देने के लिए उमर अब्दुल्ला लगातार उस पार्टी पर हमला कर रहे हैं जिसका कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। यानी अभी भी उनके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ऑपोजिशन है, बाकी कोई नहीं है। पहले देखिए उन्होंने क्या कहा। आपने हमारा कफन भी नाप लिया और कब्र भी खोद रहे हो। हम जो कश्मीर के लोग हैं ना, हम बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि यहाँ हमारी अक्सरियत है, हमें इतना खतरा नहीं है। फिलहाल इनकी कोशिश रहेगी कि हम मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में तब्दील हों, लेकिन फिलहाल हमारी यहाँ अक्सरियत है। तो उमर फारूक की इन बातों से कम आपको एक बात तो स्पष्ट समझ में आ गई होगी, ये अभी भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जबरदस्त तरीके से ग्रसित है। दुनिया जानती है कि कश्मीर में बहुसंख्यक मुसलमान है, क्या इतनी बड़ी तब्दीली वहां पर अचानक हो सकती है कि मुसलमान बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक कश्मीर घाटी में बन जाए? जाहिर सी बात है संभव नहीं है, लेकिन बारामूला की लोकसभा की सीट में अगर इस तरह की बातें नहीं होंगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समर्थन से इस गठजोड़ को आखिरकार वोट देगा तो कौन देगा? बारामूला में तकरीबन 17 लाख मतदाता हैं। यहां पर इस सीट पर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन भी हैं, और इसमें जैसा कि हमने आपको बताया इंजीनियर राशिद भी हैं जो कि कड़े मुकाबले के लिए यहां पर साथ हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपनी सीट पर जो काम किया या नहीं किया इसके बारे में वो ना के बराबर चर्चा करते हैं, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि सज्जाद लोन दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, और यही वजह है कि लगातार सज्जाद लोन पर तो बहुत बड़े पैमाने पर वो हमला नहीं कर पाते लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला कर रहे हैं। इसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन उमर अब्दुल्ला को वहां टक्कर भी दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के लिए यहां पर एक बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि ये सीमावर्ती क्षेत्र है और पीओके की जो चर्चा है वो देश में बड़े पैमाने पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा कि अभी जो मौजूदा हालात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, जहां पर वहां के स्थानीय लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, और शायद वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग खुद ही भारत के साथ अपना विलय चाहेंगे। अब जाहिर सी बात है इस पर तो जो स्थानीय राजनीति है वो तो डगमगाएगी ही, और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला बड़े हमलावर हैं न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर बल्कि सज्जाद लोन पर जिन्हें वो स्पॉन्सर्ड मानते हैं। अब सज्जाद लोन इसका प्रतिकार कैसे कर रहे हैं ये देखिए। अब उमर अब्दुल्ला साहब आके लेके आए हैं गुड बीजेपी और बैड बीजेपी। गुड बीजेपी है वाजपेयी साहब, उन्हें इंटरव्यू में बोला कि अगर वो जिंदा होते और इस वक्त ताकत में होते तो उनके अंडर फिर काम करते, बट बीजेपी इज एन आइडियोलॉजिकल पार्टी। मतलब यह है कि उनको एड होमिनम मींस उनको बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद मोदी जी घास नहीं डालते हैं, आगे कोई घास डालेगा तो जाके उनकी गोद में बैठेंगे।
तो जो बारामूला की सीट है उस पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है, इसमें कहीं कोई शक शुबा किसी को नहीं होना चाहिए और उम्मीद है कि यहाँ का मतदान प्रतिशत भी काफी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अब इसके साथ साथ एक और सीट है जिस पर मतदान 25 तारीख को होना है साहब, और ये सीट है अनंतनाग की। इस पर भी जबरदस्त रशाकशी चल रही है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती यहां से उम्मीदवार हैं और अनंतनाग की सीट पर वोटिंग 25 तारीख को होनी है, तो यहां पर भी एक अलग सा माहौल बनाया जा रहा है और यह कहने की कोशिश की जा रही कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉक्सी से उनके तमाम जो काम है उसको नगण्य करते हुए चुनाव को पोस्टपोन करा रही थी। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी मौसम के आधार पर, इसलिए अनंतनाग के चुनाव जो कि 13 मई को होने थे उसे पोस्टपोन कराकर 25 मई कर दिया गया। इस पर बहुत ही नाराज रही मोहतरमा और इसके आधार पर उन्होंने महबूबा मुफ्ती ने कई तरह के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए और उसके साथ साथ राज्यपाल को भी घेरने, उपराज्यपाल को भी घेरने की कई कोशिशें की। लेकिन अगर आप देखें तो आज जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करता है जिससे हर भारतीय के दिल में उत्साह बढ़ता है। जरा सोचिए, क्या किसी ने कभी कल्पना की थी कि 2019 या उससे पहले जम्मू कश्मीर में खास करके श्रीनगर की लोकसभा की सीट पर 36% से ज्यादा का मतदान हो। ये वो सीट थी जहां पर 5 या 7% का मतदान अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है साहब। आज जम्मू कश्मीर बदल गया है। यह बदला हुआ जम्मू कश्मीर 2019 5 अगस्त के बाद का है, जहां धारा 370 और 35A को निष्क्रिय किया जा चुका है। इसकी वजह से आज जनता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का जोश है मतदान में, और यह बदली हुई फिजा सिर्फ इस बात का संकेत नहीं करती कि लोग क्या करना चाहते हैं, बल्कि यह भी बता रही है कि कई ऐसी पार्टियां, कई ऐसे संगठन, कई ऐसे संस्थान जो अपने आप को टेररिस्ट या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहते थे, जिन पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, आज वो संस्थान भी जम्मू कश्मीर के लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वोट की ताकत उन्हें भी मिले, जैसे कि जमायत इस्लामी। 37 सालों से जम्मू कश्मीर में चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करने वाली जमायत इस्लामी ने अब खुलेआम ये अपील की है कि उनके ऊपर से लगा प्रतिबंध हटा दिया जाए, ताकि वो भारतीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा कराए जा रहे चुनाव में हिस्सा ले सके। जरा सोचिए, क्या ऐसा कभी संभव था? जमायत इस्लामी दरअसल वो संगठन है जिसने खुद कभी वोट डालने की बात की नहीं, हमेशा प्रतिबंध डालने की बात की। अब उनका कहना है कि हमको लोकतंत्र में भरोसा है, प्रतिबंध हटाने की बात कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त बदलाव आ रहे हैं और ये तमाम ऐसे संगठन हैं जो एक जमाने में हिजबुल मुजाहिदीन के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ आंदोलन करते थे, लेकिन आज ये संगठन भारतीय लोकतंत्र में अपनी आस्था प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बताता है कि आज कितना बदल चुका है जम्मू कश्मीर। एक के बाद एक लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे बदल चुका है जम्मू कश्मीर। अब मुहर्रम का जुलूस सड़कों पर निकलता है साहब। 30 साल के बाद 2022 के बाद श्रीनगर में कई सारे सिनेमा हॉल्स खुले। मैं हाल फिलहाल वहां गया था, मैंने कई सारे मल्टीप्लेक्स वहां पर देखे। सिनेमा देखने की बात तो अपने आप में अजूबा हुआ करती थी साहब, और वो अपने आप में इसलिए अजूबा होती थी क्योंकि जब मैं जम्मू कश्मीर की रिपोर्टिंग के लिए जाया करता था तो पूरे श्रीनगर में एक सिनेमा हॉल होता था जिसमें एक शो चलता था, वो भी फौज के लिए, बाकी कोई सिनेमा हॉल पहुंचता नहीं था। आज लेकिन तब्दीली हो चुकी। आज अलगावादी भारतीय लोकतंत्र में अपनी आस्था प्रकट करके उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। यह है मौजूदा सरकार की एक बहुत बड़ी और निर्णायक उपलब्धि।